और ये दोस्तों मिर्च बनाने के लिए अब हम पीस देते हैं राई और हमारा जीरा जो हमने भूना था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं भरवा मिर्ची। तो भरवा मिर्ची इतनी टेस्टी बनती है कि आप दो रोटी तो एक्स्ट्रा खा ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। बनेंगी वो भी बीच में से चीरा लगा कर। ये देखो बढ़िया लग रही है ना मिर्चे, ये रखी सारी। और ये मम्मी चीर रही है इनको। ये वाली तो लाल पड़ गई मिर्च, अम्बी और मिर्ची का कॉम्बिनेशन क्या मस्त लगेगा। तो चलिए इनको काट लेते हैं सबको। ऐसे इनको चीर लेंगे, ये देखो बीच में से। ये चीर चुकी हैं और इनको रखते जाएंगे। तीन मिर्ची चीर ली हमने, बाकी को भी चीर लेते हैं फटाफट से। कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा जीरा ताकि भून। ये देखिए दोस्तों हमने जीरा भून लिया, कैसा धुआं निकल रहा है इसमें से अभी। तो चलो शुरू करते हैं आगे। अब थोड़ी सी राई भी भून लेते हैं। ये देखिए मस्टर्ड सीड्स बोलते हैं इनको, राई। अब डाल लेते हैं इसको गैस कढ़ाई में और इसको भी भून लेंगे फुल फ्लेम पे करके। ये मसाला हम तैयार कर रहे हैं अपनी मिर्चों के लिए। दोस्तों हमने राई भी भून ली है और इसमें से भी ये धुआं निकल रहा है और अब ये चट चट अभी भी कर रही है। और एक साइड में जीरा रख कर और एक साइड में ये दोस्तों मिर्च बनाने के लिए अब हम पीस देते हैं राई और हमारा जीरा जो हमने भूना था। और किस पर पीस रहे हैं, देसी तरीके से बिल्कुल सिलवट के ऊपर पीस के बनाएं। ये देखिए दोस्तों हमारा मसाला जो है पीस चुका है मिर्च बनाने के लिए और ये देखिए बिल्कुल बारीक हो चुका है, सिलवट पर पीसा है देसी तरीके से। और अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में कुछ। तो चलिए दोस्तों इसमें एक खटाई भी डाल देते हैं। ये अचार था हमारा बनाया हुआ आम का सिरके वाला, तो ये भी डाल देते हैं ताकि मिर्चें जो है ज़्यादा कड़ू ना लगे, खट्टी हो जाए थोड़ी सी। इसको भी इसी में पीस लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मसाले के साथ हमने अपनी खटाई को भी पीस लिया और ये देखिए एक पेस्ट सा बन के तैयार हो गया। अभी इनको मिर्चों के अंदर भरेंगे। अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में और इसको भी निकाल लेते हैं इसको बर्तन में। मसाला बिल्कुल तैयार। अब इसमें मसाले में डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। अब डाल लिया इसमें थोड़ा सा तेल। अब कर देंगे इसको मिक्स अच्छे से और फिर मिर्चियों में भरना शुरू करते हैं। थोड़ी सी हल्दी भी डाल लेते हैं इसी में। मसाला एकदम काला काला बन चुका है बिल्कुल, खटाई की वजह से काला हो गया है। फिर वो तो सरसों राई और वो। चलिए दोस्तों भरना शुरू करते हैं मिर्चों को। ये देखिए इस तरीके से फैला लेंगे और ये मसाला लेकर इसमें भरना शुरू कर देंगे। ये देखिए एकदम बिल्कुल दबा दबा के भरेंगे। ये देखो भर भर के यहाँ पर रखते जाएंगे। चलिए इस तरीके से भर लेते हैं सारी मिर्चें। तो ये देखो दोस्तों हमने अपनी मिर्चें जो है भर ली हैं सारी। तो चलिए अब इनको पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। चलिए मिर्चों को पकाना शुरू करते हैं और जला लेते हैं अपनी गैस और कढ़ाई को रख देते हैं इसके ऊपर। चलिए दोस्तों कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं बस।
और अपनी मिर्चों को भी अब डाल लेते हैं। तेल हो चुका है गरम और ये बाकी का जो मसाला बचा था ये भी इसी के ऊपर डाल देंगे हिला के। और अब इसको थोड़ा सा हिला देते हैं तेल के साथ। इसको देते हैं ढक। चलिए दोस्तों अब इसको ढक देते हैं और पकने देते हैं। अब ये कम पे हमने गैस कर दिया, इसको पकने देंगे थोड़ी देर तक। तो ये देखिए दोस्तों हमारी मिर्चें बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो ये देखिए मसाला भी कितने अच्छे तरीके से भरा हुआ है इसके अंदर, ये देखिए। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।